तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल नामदेव, आप देख रहे हैं नामदेव जी टेक्निकल। दोस्तों मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो बनाया था कि पाई नेटवर्क पे आप रीसबमिट कैसे कर सकते हैं अगर आपका केवाईसी पेंडिंग में। काफ़ी टाइम से जिन लोगों के केवाईसी पेंडिंग है और वो अप्रूवल नहीं आ रहा है, केवाईसी पास नहीं हो रहा है, उन लोगों के लिए मैंने ये वीडियो बनाया था, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। लेकिन बहुत सारे मेरे पास कमेंट आए लोगों के कि नहीं हो पा रहा है, ठीक से नहीं वर्क कर रहा है, तो मैं आपको आज पार्ट टू उसी टॉपिक का पार्ट टू बना रहा हूँ। तो आज के वीडियो में हम पूरा री केवाईसी का फॉर्म फिल करने वाले हैं कि कैसे आपको रीसबमिट करना है अपना केवाईसी। बहुत सारे लोगों को पता होगा कि हमारा भी एक पाई नेटवर्क का अकाउंट है जिसका केवाईसी अभी अप्रूव नहीं हुआ है, काफ़ी टाइम से पेंडिंग है, तो उस अकाउंट को आज हम रीसबमिट करेंगे, उसका केवाईसी कैसे कर सकते हैं। लास्ट वीडियो जो मैं स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ, इस वीडियो में मैंने केवाईसी का फॉर्म ओपन करके बता दिया था और सोचा था कि आप लोग खुद से कर लोगे, वो फॉर्म फिल करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन उसके बावजूद मेरे पास कमेंट आ रहे हैं कि सर वो कंप्लीट नहीं हो पा रहा है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ रही है। तो चलते हैं दोस्तों, डायरेक्ट मैं अपना केवाईसी रीसबमिट करके आपको दिखाता हूँ। बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो। सब्सक्राइब करने में आपका कुछ नहीं जाएगा लेकिन हमें बहुत कुछ मिल जाएगा, तो प्लीज़ यार चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। आपका एक सब्सक्राइब हमें बहुत ज़्यादा हेल्प करता है और मोटिवेट करता है आपके लिए इसी प्रकार से वीडियो बनाने में। तो दोस्तों अब हम आ जाते हैं पाई नेटवर्क एप्लीकेशन पे। ये आप देख सकते हैं पाई नेटवर्क एप्लीकेशन आपको इस प्रकार से ओपन करना है और मैं आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, इसीलिए वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। वीडियो में भी थोड़ा अगर लंबा बन जाए तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, लेकिन आपको पूरा समझ में आ जाएगा आज का वीडियो देखने के बाद। तो पाई नेटवर्क का एप्लीकेशन हमारा ओपन हो चुका है, सिंपली थ्री लाइन पर क्लिक करना है आपको। थ्री लाइन पे क्लिक करने के बाद आपको सपोर्ट पोर्टल पे क्लिक करना है, नीचे से थर्ड ऑप्शन सपोर्ट पोर्टल पे हम क्लिक करेंगे तो हमारा गूगल क्रोम का पेज ओपन होगा। आप देख सकते हैं दोस्तों गूगल क्रोम पे पाई की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन होगी। अब यहाँ पे थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे और सबसे नीचे आ जाएंगे, स्क्रॉल डाउन करके यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा केवाईसी इन ईमेल रिक्वेस्ट, तो इस पर हम क्लिक करेंगे। उसके बाद दोस्तों थोड़ा सा फिर स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ पर आपको एक लिंक मिलेगा, मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे छोटा सा ये लिखा हुआ है, मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ httpmynepai.com, ये जो लिखा हुआ है इस पर आपको सिंपली क्लिक कर देना है तो फिर आप डायरेक्ट उस फॉर्म पे पहुँच जाएंगे। तो यहाँ तक दोस्तों इस फॉर्म तक मैंने लास्ट वीडियो में कवर किया था, इसके आगे आप लोगों को खुद भरना था फॉर्म, मैंने ऐसा बोला था पिछले वीडियो में, लेकिन नहीं, जो कि बहुत सारे लोग कर पा रहे हैं इसको कम्प्लीट, तो मैं आज फॉर्म भर के भी आपको बताने वाला हूँ। तो दोस्तों हमारा फॉर्म ओपन हो चुका है, सबसे पहले यहाँ पे आपको ईमेल आईडी आपकी लिखी हुई देखने को मिल जाएगी, तो यहाँ पे आपको स्विच अकाउंट कर लेना है। अगर आपका इसी ईमेल आईडी से अगर आपका पाई नेटवर्क का अकाउंट है तो आपको अपना इसी ईमेल आईडी को रखना है, आपको एक बार चेक कर लेना है। तो चूँकि मेरा दूसरा ईमेल आईडी है तो मैं स्विच अकाउंट पर क्लिक करके वो वाला ईमेल आईडी यहाँ पर सिलेक्ट करूँगा जिस पर मेरा पाई नेटवर्क का अकाउंट लॉगिन है। तो यहाँ पर देख सकते हैं मैंने अपना वो वाला जी मेल आई डी अकाउंट ले लिया है जिससे मेरा कनेक्टेड है पाई नेटवर्क, देख सकते हैं चेंज हो गया है। अब उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करना है, यहाँ पे यूज़र नेम आपको देखने को मिलेगा, तो यूज़र नेम आपको डालना है अपने पाई नेटवर्क के मोबाइल एप्लीकेशन में। तो यूज़र नेम कहाँ मिलेगा आपको, थ्री लाइन पर क्लिक करना है, सबसे नीचे आके आपको प्रोफाइल पर जाना है। प्रोफाइल पर जैसे आएंगे आपको अपना यूज़र नेम देखने को मिलेगा, मेरा यूज़र नेम आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, तो यूज़र नेम मैं अपना सेम टू सेम डाल देता हूँ, यूज़र नेम में गलती नहीं होना चाहिए दोस्तों, यूज़र नेम बहुत ज़रूरी है। देखिए मैंने अपना यूज़र नेम डाल लिया है, मैंने कंफर्म भी कर लिया, मेरा सेम यूज़र नेम यहाँ पर पड़ चुका है। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों नेक्स्ट ऑप्शन है, व्हाट बिहेवियर ऑफ योर्स माइट हैव बीन कन्फ्यूज्ड बाय द एल्गोरिथम एज सस्पिशियस ऑफ बीइंग इन्वॉल्व विथ फेक अकाउंट्स स्क्रिप्टिंग और अदर पॉलिसी वॉयलेशन। तो यहाँ पे हमें टाइप कर देना है दोस्तों, आपको लिख देना है कि ये वाले कॉलम में आप यहाँ पे लिखेंगे कि आई हैव अपलोडेड माई डॉक्यूमेंट बट आई थिंक दैट फोटो वॉज नॉट क्लियर सो दैट वाई माई केवाईसी पेंडिंग, आपको इतना लिख देना है। उसके बाद आपको नेक्स्ट कॉलम में आपको आ जाना है। अब यहाँ पे आपको देखिए क्या बोल रहा है, वाई शुड नॉट दिस बिहेवियर बी एसोसिएटेड विथ फेक अकाउंट स्क्रिप्टिंग और अदर पॉलिसी वायलेशन, वाई शुड योर केवाईसी बी अलाउड टू अप्लाई फॉर केवाईसी। तो यहाँ पे आपको लिखना है, आपको लिखना है दिस टाइम आई विल अपलोड माई डॉक्यूमेंट प्रॉपर
आपको यहाँ पर लिख देना है दोस्तों, दिस टाइम आई विल अपलोड माई डॉक्यूमेंट प्रॉपर एंड एक्सेप्टेबल बाय पाई कोर टीम। उसके बाद दोस्तों आपको नीचे ऑप्शन मिलेगा, आपको यहाँ पर टिक लगाना है नीचे वाले में, आई एम एनेबल टू स्टार्ट एन एप्लीकेशन बट आई हैव अदर KYC इशू, तो आपको सबमिट कर देना है दोस्तों। तो जैसे ही आप एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे, सबमिट पे क्लिक करेंगे, आपको कुछ इस प्रकार से ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो दोस्तों आपको ये फॉर्म इस प्रकार से भर के सबमिट कर देना है, बस इतना सा काम था। और इतना सा काम हमारे बहुत सारे सब्सक्राइबर भाई नहीं कर पा रहे थे, तो आप लोगों के लिए मैंने दोबारा से इस फॉर्म को फिल करके दोबारा से वीडियो बना के अपलोड किया है। अब आपको सबमिट अदर रिस्पॉन्स पे क्लिक करना, अगर आपको दोबारा फिर कोई प्रॉब्लम है, फिर कोई रीज़न अगर आपका है, तो आप दोबारा से भी इसको भर सकते हैं, आप मल्टीपल टाइम भर सकते हैं। लेकिन दोस्तों अब मैं आपको बता दूं एक चीज़ क्या है, जब आप इस प्रकार का फॉर्म पूरा भर दोगे, सबमिट कर दोगे, उसके बाद आपको 8 से 10 दिन का वेट करना है। आपको चेक कैसे करना है वो मैं आपको बताता हूँ। आपको अपना पाई ब्राउज़र एप्लीकेशन ओपन करना है, और यहाँ पे आपको नीचे जो KYC का ऑप्शन आता है, अभी ओपन होने दीजिए, यहाँ पे जो नीचे KYC का ऑप्शन आता है इस पर आपको क्लिक करना है। अगर आपका जो KYC रीसबमिट के लिए यहाँ पे आपको ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, तो आप देख सकते हैं, अभी तो फ़िलहाल पेंडिंग में ही शो करेगा, 8 से 10 दिन का वेट करना पड़ेगा। उसके बाद दोस्तों आपके पास KYC करने का, रीसबमिट करने का ऑप्शन आ जाएगा, या फिर यस करने का ऑप्शन आएगा, या फिर रीसबमिट या री लॉग इन करने का ऑप्शन आएगा, तो आप वहाँ पे नीचे आपको आ जाएगा, यहाँ पे आपको इस प्रकार का कोई बटन देखने को मिलेगा, तो यहाँ पे क्लिक करके आप दोबारा से अपना KYC सबमिट कर सकते हैं। और जब आप दोबारा सबमिट करेंगे तो आपको ध्यान रखना है, आधार कार्ड आपका प्रॉपर होना चाहिए, अगर आप पैन कार्ड लगा रहे हो तो पैन कार्ड की फ़ोटो एकदम प्रॉपर होना चाहिए, उसके बाद आपका KYC प्रॉपर तरीके से रीसबमिट हो जाएगा। तो दोस्तों आई होप आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो लाइक कर देना इस वीडियो को, और चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। फिर बोलना चाहता हूँ दोस्तों, आपके लिए सब्सक्राइब करना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन हमें जो एक सब्सक्राइबर मिलता है वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो प्लीज़ यार चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। अब मिलेंगे दोस्तों नई वीडियो में।